नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित लाइव और इंटरैक्टिव सत्र में। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये मैथमेटिक्स का सत्र है और आज हम पढ़ेंगे इस सत्र के माध्यम से रियल नंबर्स पार्ट 2। इस विषय में बहुत कुछ खास होगा और पार्ट 1 के लिए आप ज़रूर एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारा यूट्यूब पेज एक्सप्लोर करें। यहाँ बहुत से माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं। ई विद्या चैनल नंबर 10 के साथ ही आप हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल के माध्यम से देख रहे हैं और देख रहे हैं साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 10 के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। तो यहाँ इस सत्र में आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हों आप बेझिझक उन्हें हमसे शेयर कीजिए। हमारे साथ जो अतिथि हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्हें बहुत खुशी होगी आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए। मैं सृजन राजपूत हूँ और यहाँ अब आपको बताने जा रही हूँ उन माध्यमों के बारे में जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर के माध्यम से जो कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नंबर है 8800440559। इसके अलावा आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएँ या अपने प्रश्न हमें लिख कर भेज सकते हैं ऑन dth.class10@cit.nic.in पर। तो ये सब वो माध्यम है जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़े हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। स्वागत करना चाहूँगी मैम सविता ग्राहक का। मैम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार श्रीजन, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी मैम का परिचय आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैम अकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, और मैम के बारे में ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मैम मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स को हमारे दर्शकों के लिए बहुत इजी तरीके से, सरल तरीकों से बताती हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत रियल लाइफ से एंगेज्ड होते हैं। सो मैम, सबसे पहले तो हम क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं पार्ट 1 ऑफ रियल नंबर्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था और पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? जी श्रीचंद, बिल्कुल। तो पहले हम रिकैप्चुलेट ही करते हैं कि प्रीवियस क्लास में आखिर रियल नंबर से रिलेटेड हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया है। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स ने जाना है दैट रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड दीज आर रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। वो सभी नंबर्स जो रेशनल नहीं होते इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। और सीटीसी डेफिनेशन जो हमारे विद्यार्थियों ने सीखी दैट इज दैट ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, और जिन नंबर्स के लिए डेफिनेटली पी और क्यू दोनों का जरूरी है कि ये इंटीजर्स होने चाहिए एंड द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स। इसके बाद हमारे व्यूअर्स ने डिस्कस किया रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड देन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इन एडिशन टू दैट इवन ओड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स की जानकारी हमारे बच्चे पहले से ही ले चुके हैं। एंड इन एडिशन टू दैट दे आल्सो हैव स्टडीड अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दिस इज द थ्योरम विच टेल्स अस कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्यों ना हो, इफ आई एम राइटिंग एनी कंपोजिट नंबर लाइक लेट इट बी 42, सो वी कैन राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 42 को हम 2 × 3 × 7 लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख पाएंगे 3 × 2 × 7 या फिर 7 × 2 × 3। दैट मीन्स सिंपली के 42 के 3 प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 7 हैं। तो आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 42 के फैक्टर्स में 8 विल ऑल्सो बी देयर और 42 के फैक्टर्स में 11 विल ऑल्सो बी देयर। सो जो भी प्राइम फैक्टर्स डिफाइंड है वही प्राइम फैक्टर्स रहते हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ कैन वी से दैट 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट। देन हमने डिस्कस किया कि 6 raised to the power n या फिर 15 raised to the power n या फिर 4 raised to the power n, इन सभी नंबर्स में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है विच एंड्स विद द डिजिट 0। इसे प्रूव किया कैसे जा सकता है ये जानने के लिए हमारे व्यूअर्स हमारा प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग
further that how to find the LCM and HCF of any two or three numbers by using prime factorization method. जैसे कि हम देख सकते हैं, there are three numbers 6, 72 and 120. Dear viewers, सबसे पहले हम इन तीनों ही नंबर्स के, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं दैट बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें एलसीएम भी कैलकुलेट करना है और एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है. तो सिंपली आप फैक्टराइजेशन करेंगे विच इज रियली वेरी इजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एज दे ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट इन देयर प्रीवियस क्लासेस. Then it is 3 and 5. So what we can write by using fundamental theorem? We can write that 6 equals 2 into 3. We can write that 72 equals the product of its prime factors. And then 120, that is also equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Basically, हम अगर rewrite करना चाहें, तो 72 can also be written as 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 2. 120, that can also be written as 2 cube 3 raised to the power 1, and that is multiplied by 5 raised to the power 1. 6 has already been written as 2 into 3, that is 2 raised to the power 1 multiplied by 3 raised to the power 1. Now our focus is basically on how to find the LCM or HCF. So HCF is what? It is very much clear by the name highest common factor. यानी कि इन तीनों numbers के लिए ऐसा कौन सा number है जो 6, 72 and 120 इन तीनों का ही factor हो. तो वो कौन सा number है? Let us see how to check. You will just see that 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 इन तीनों में से जो भी मिनिमम पावर ऑफ टू है, यानी कि उतनी पावर एटलीस्ट इन तीनों का ही फैक्टर है. दैट इज व्हाई यू विल राइट हियर 2 रेज टू द पावर 1. इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज द पावर 1 इज देयर, 3 रेज द पावर 2 इज देयर, 3 रेज द पावर 1 इज देयर. सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तीनों में ही जो कॉमन है, 3 स्क्वायर कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ 72 बट नॉट ऑफ 6 एंड 120. दैट्स व्हाई वी विल जस्ट कंसीडर 3 रेज द पावर 1 एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दिस 3. एंड इन एडिशन टू दैट लेट अस सी, दिस इज 5 रेज टू द पावर 1 बट दिस इज द फैक्टर ऑफ 120 ओनली. ना तो 6 का फैक्टर है ना तो 72 का, सो हम इसे कॉमन फैक्टर की फॉर्म में नहीं लिख सकते. दैट्स व्हाई द एचसीएफ इज 6 only. All right, let us now calculate the value of LCM of all the three numbers. LCM yani ki least common multiple, multiple, okay. So this time you all have to take the highest power either of 2 or of 3 or of 5. Let us check 2 raised to the power 1. Let us change the color of the marker. Let it be here. 2 raised to the power 3 and then 2 raised to the power 3. So, least common multiple kya hua? Iske baad to bahut sare multiples ho sakte hain. Lekin least common multiple is 2 raised to the power 3. Then 3 raised to the power 2. Because this is the multiple of these three number. And then 5. So what is the LCM? Basically that is 8 times 9 times 5, which can also be rewritten as 360. Thus 360 is the LCM of these three numbers and the HCF is 6. Similarly, there is one more question, but in this question they are asking find the HCF of these two numbers by prime factorization method. So dear viewers, as you have calculated in the previous question, similarly we will also be able to calculate the HCF of these two numbers. All right, but after calculating the HCF, question is hence find LCM. The meaning of this word hence is we have to use the HCF for finding the LCM. LCM के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज ना करके दिस टाइम HCF का यूज करना है. एंड वी नो
that the product of the two numbers is the product of the HCF and their LCM. ये हम पहले से ही जानते हैं. तो आप यहाँ से HCF कैलकुलेट कर लेंगे. आपके पास फर्स्ट नंबर की फॉर्म में 96 एग्जिस्ट कर रहा है. अदर नंबर इज 404 इक्वल्स टू एच वट सो एवर लेट मी से HCF इज M. हमने जो भी कैलकुलेट किया वो वैल्यू आ रही है M. सो फॉर फाइंडिंग द LCM यू विल जस्ट डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 96 एंड 404 बाय द HCF एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. Yes, All right, clear. Let us proceed ahead. This question is again of the similar type, and this is a very important question. If we talk about your examinations, तो इस तरह के questions आपके बहुत important questions हैं. आपको समझना है और जानना है ये concept that किन्हीं भी दो numbers को multiply करने पर आता है the product of their highest common factor and their least common multiple. तो यहाँ भी आपके पास both of the numbers are given. HCF is given, LCM calculate करना है. By using the same method, आप easily बता पाएंगे that LCM is the product of 306 with 657 and then the result will be divided by 9. Even you can first divide any of these number by 9 and then find the product of the remaining numbers. Now let us discuss a very important theorem. What this theorem is, इफ पी इज अ प्राइम नंबर. हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि प्राइम नंबर्स हम किन्हें बोलते हैं. अगर पी कोई भी प्राइम नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स हैं, दीज टू फैक्टर्स आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, देन इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली. पहले जानना होगा कि ए आखिर है क्या. ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट कैन बी टू, that can be 4, that can be 7, that can be anything. Alright, so if I am taking 4 square, which is 16, so if any prime number is dividing this value 16, that means, or let me think that 2 is a prime number, jo 16 ko divide karta hai. Aap 2 se agar 16 ko divide karte hain, you can clearly see that the remainder will be 0. Then 2, or then that number P, also divides A. That means if 2 divides 4 square, then 2 also divides 4. आप बहुत ही easily समझ पा सकते हैं that this is a true statement. 2 divides 4. है ना, 4 आता है 2 की table पर, 4 is divisible by 2. इस concept को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हम इस theorem का result एक बार जरूर देखेंगे. And what is the result? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 16 हमने एक ऐसा number लिखा था which is known to us or our viewers. Okay? But here A is a number which is unknown to us. तो हमने A कोई भी ऐसा composite number मान लिया जिसको हम उसके prime factors की form में, product की form में लिख पा रहे हैं. क्या? P1 multiplied by P2 multiplied by P3 into P4 into P5 up to Pn. क्योंकि A कोई भी unknown number है, general number हमने लिया है, हमें नहीं पता कि उसके prime factors कितने होंगे. जैसे अभी हमने एक number लिया था 42, तो हमने देख लिया था 42 के पास 3 prime factors थे. composite factors और भी हो सकते हैं, but prime factors 3 थे. A के बारे में हमें नहीं पता, हमने इसके n prime factors मान लिए and these are P1, P2, P3 up to Pn. These are the prime factors and it is clearly mentioned, not necessarily all distinct. बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये सभी अलग अलग हों. जैसे अगर आप 16 को भी factorize करते हैं तो इसके prime factors same है, 2 4 times आ रहा है. किसी नंबर में हो सकता है कि 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11. So, कोई भी prime factor एक से ज्यादा बार भी आना possible है. ठीक है. Then, जी. Ma'am, clear. We can move on. Ma'am, it's clear. We can move on. All right, Susan. तो बात करते हैं, हमें दिया था P किसको divide कर रहा है? A square को. तो हमने एक ही value यहाँ पर लिखी. ए स्क्वायर की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है. सो व्हाट ए स्क्वायर इज, क्या आप सिंपली बोल सकते हैं ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर, इक्वल्स टू पी वन स्क्वायर
इंटू पी टू स्क्वायर इंटू पी थ्री स्क्वायर अप टू पी एन स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है दैट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। नाउ डियर व्यूअर्स, आप एक छोटी सी बात को समझिए, अगर आप लिखते हैं 36 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 3, क्या आप बोल सकते हैं दैट दिस 36 इज डिविजिबल बाय 2? यानी 36 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? डेफिनेटली यस। यस मैम। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी वन स्क्वायर इंटू पी टू स्क्वायर इंटू पी थ्री स्क्वायर इंटू पी एन स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या क्लियरली बोल सकते हैं दैट ए स्क्वायर इन सब में से हर किसी से डिवाइड हो रहा होगा? यानी कि ए स्क्वायर जो है वो पी वन से, पी टू से, पी थ्री से, पी फोर से, पी एन से, इन सब से ही डिवाइड हो रहा होगा। ऑल राइट, एंड पैरेलली हमें बोला गया है हमारे क्वेश्चन में दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अभी हमने बोला कि पी वन, पी टू, पी थ्री, पी एन तक के सभी नंबर्स ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि यही सब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्योंकि यस मैम। हमारे क्वेश्चन में भी दिया है कि पी इज प्राइम और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी जो है वो इन्हीं में से किसी भी एक नंबर के इक्वल है, क्योंकि ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाले सारे फैक्टर्स पी वन से पी एन तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। पी इन्हीं में से कोई भी नंबर है, दैट मीन्स पी डेफिनेटली किसे डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। अब ट्विस्ट यहां पर ये है, पी किन में से कोई नंबर है? पी की वैल्यू या तो पी वन के इक्वल है, ठीक है। या तो पी टू के इक्वल है, या तो पी थ्री, पी फोर, पी फाइव, इन्हीं सब में से कोई भी एक है। और यही सब किसके भी फैक्टर्स थे? यही सब तो फैक्टर्स थे ए के भी। हमने बिगनिंग में लिखा था दैट ए इक्वल्स पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री अप टू पी एन। तो पी इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज ओनली, इन्हीं में से कोई एक है पी। तो जी। अगर ए का फैक्टर है पी, डेफिनेटली पी डिवाइड्स ए। तो हमारे व्यूअर्स को ये थ्योरम बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है, इसका मीनिंग समझना है दैट अगर पी कोई भी प्राइम नंबर है जी। एंड पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो वो डेफिनेटली डिवाइड कर रहा होगा ए को भी। जी। सो मैम, नाउ इस लेट अस थ्योरम को स्टैब्लिश करने के लिए आप कुछ एग्जांपल पुट करेंगे हमारे लर्नर्स के लिए? जी बिल्कुल, हम कुछ एक एग्जांपल्स देख सकते हैं सृजन, और लेट अस सी दीज एग्जांपल्स द फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड अहेड। ओके। जैसे हम बात करते हैं 49, सो वी नो दैट 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, और हमें पता है कि 7 डिवाइड्स 49। 7 एक प्राइम नंबर है जो 49 को डिवाइड करता है। अगर 7 7 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 7 आल्सो डिवाइड्स 7। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैन आई से दैट 3 डिवाइड्स 36, और 36 किसके इक्वल है? 6 स्क्वायर के इक्वल। 3 इज प्राइम, डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को, यानी कि 36 को, सो डेफिनेटली 3 डिवाइड करेगा किसको? 6 को। दैट मीन्स पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, दस पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। द कंडीशन इज दैट पी जो है वो कोई भी प्राइम नंबर होगा, ये कंडीशन जरूर फॉलो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इट इज नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। ये हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर का अगर आप नेगेटिव करते हैं, रूट टू का नेगेटिव इज नेगेटिव रूट टू, सो दैट इज ऑल्सो इरेशनल। द सम और द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इसे भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। 2 इज रेशनल, अंडर रूट 5 इज इरेशनल, द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज इज इरेशनल ऑलवेज, द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज ऑलवेज इरेशनल। ओके ठीक, इसी तरह से द प्रोडक्ट एंड द क्वेशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑल्सो बी इरेशनल इफ द रेशनल नंबर इज नॉन जीरो। यानी अगर मैं लेती हूं एक रेशनल नंबर 2, एक रेशनल नंबर अंडर रूट 7, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज,
then this 2 root 7 is also irrational. If I am taking an irrational number pi, हमारे viewers जानते हैं that pi is an irrational number. I am taking a rational number 3 or 3 upon 5, so the product of both of these is also irrational. लेकिन condition है कि जो irrational, जो आप rational number ले रहे हैं, that should be non-zero. क्योंकि अगर आप वो रेशनल नंबर जीरो ले लेते हैं और सोचते हैं कि जीरो इंटू पाई दैट बिकम्स जीरो एंड दैट बिकम्स रेशनल. ऑल राइट, यस मैम, क्लियर. तो नेक्स्ट थिंग इज द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी ऑलवेज इरेशनल, दैट कैन बी इरेशनल, दैट कैन बी रेशनल. जैसे अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं रूट टू, अनदर रेशनल नंबर हम लेते हैं रूट टू, एंड लेट अस टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज, द आंसर इज जीरो विच इज रेशनल. समटाइम्स इफ आई एम टेकिंग अ रेशनल इन इरेशनल नंबर रूट टू, अनदर इरेशनल नंबर रूट थ्री, द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन बी विल बी इरेशनल. सो दैट नीड नॉट बी इरेशनल, नीड नॉट बी रेशनल. यस मैम. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट टू इरेशनल है. हमारे व्यूअर्स क्लास 9 से ही जानते हैं कि रूट टू होता तो इरेशनल है, बट अभी हमें विद द हेल्प ऑफ थ्योरम इसे प्रूव करके दिखाना है. और इसे प्रूव करने के लिए जो जो रिजल्ट्स यूज होंगे डियर व्यूअर्स, हम उन्हें पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्राइम नंबर्स, ओके, एंड द थ्योरम विच वी जस्ट हैव डन. बट if p is prime and it divides a square, then it also divide a. so in dono hi concepts ka use hamare paas yahan par hoga proof karne ke liye ki root 2 jo hai that is irrational. ma'am, so request you to please aap is theorem ko quickly hamare viewers ke liye jo hai aap bata dein, because we have a short of time. जी बिल्कुल श्रीजन, तो हम इस थ्योरम को ध्यान से देखते हैं और टाइम को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. और मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को जरूर 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 समझें. दिस इज रियली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जी, रूट टू को हमें प्रूव करना है इरेशनल है, और हम जानते हैं कि पहले हम बिल्कुल उसका उल्टा या कॉन्ट्राडिक्शन सपोज कर लेते हैं. हम मान लेते हैं कि रूट टू इज रेशनल. सो इफ रूट टू इज रेशनल, देन आज हमने बिगनिंग में भी डिस्कस किया है कि रेशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं p बाय q फॉर्म में, बट द कंडीशन इज दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. दैट मीन्स हम सपोज कर रहे हैं लेट रूट टू इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. और उसके साथ ही साथ हम ये भी मानकर चलते हैं दैट HCF ऑफ a एंड b इज 1. और okay. इसी स्टेटमेंट को हमारे व्यूअर्स ऐसा भी लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. ऑलराइट, हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हम को प्राइम नंबर्स उन्हें ही बोलते हैं जिनका एचसीएफ होता है 1. कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर क्यों ना हो, अगर मैं लिखती हूँ एक रेशनल नंबर 16/20, अभी हम देख सकते हैं 16 और 20 का एचसीएफ 1 नहीं है, बट वी नो दैट their common factor is 4. So after some steps, cancellation करने पर lowest form में it can be rewritten as 4/5. Then the HCF of 4 and 5 is 1. ठीक इसी तरह से root 2 को हमने assume किया that it is a upon b. So let us now square both sides. हमें करना क्या है, हमें धीरे धीरे utilize और use करना है इस theorem का that p के prime होने पर a square को divide करने पर वो a को भी divide करता है. कुछ स्टेप्स के बाद हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि कभी भी हमें ए और बी ऐसे कोप्राइम नंबर्स मिल ही नहीं पाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, वी आर एबल टू गेट दैट 2 इक्वल्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2. दस आवर व्यूअर्स आर एबल टू गेट दैट ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2. And then we can also say that b square equals a square upon 2. जी. So यहाँ से हमें क्या clear हो रहा है, a और b दोनों integers थे, all right? और 2 divide कर रहा है a square को. So देखिए 2 is prime और divide कर रहा है a square को. So 2 also divides
ए। अब अगर 2 A को डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके लिए रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, या हम सिंपली कह सकते हैं कि वी कैन पुट ए इक्वल्स टू 2m इन आर इक्वेशन नंबर 1। आप यहां पुट कर सकते हैं, नो इश्यू। सो जैसे ही हमारे व्यूअर्स ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, व्हाट आर दे एबल टू गेट? दे आर एबल टू गेट दैट बी स्क्वायर इक्वल्स 4m², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2। दैट मैम मीन्स प्लीज आंसर क्विकली आप इस थ्योरम को प्रूव कर दें। जी डेफिनेटली। तो हमारे पास आ रहा है m² इक्वल्स b² अपॉन 2। यही कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर व्यूअर्स। आपके पास आ रहा है m² इक्वल्स b² अपॉन 2। दैट मीन्स वी कैन सिंपली से दैट 2 डिवाइड्स b², जिसकी वजह से 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। देखिए अभी हमने कहा था 2 डिवाइड्स a, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, 30 सेकेंड्स में हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाएगा, बट बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने ये भी बोला दैट 2 डिवाइड्स b, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने कुछ स्टेप्स पहले बोला था कि 1 ही ऐसा नंबर है जो a और b को डिवाइड करता है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसकी वजह से आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था कि रूट टू रेशनल है, दैट इज रॉन्ग, और जिसकी वजह से रूट टू बिकम्स एन इरेशनल नंबर। ऑल यस राइट, यस दिस मैम। इज ऑल एंड हियर इज अ क्वेश्चन, प्रूव दैट √11 इज इरेशनल। हमें बहुत अच्छा लगेगा जी सृजन बिल्कुल अगर हमारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करें और हमारे साथ शेयर करें। जी। सो मैम मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपने हमारे कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सृजन, थैंक्स अ लॉट। हमारे व्यूअर्स को बता दूं, हम कुछ ही मिनटों में आपके लिए एक नया सत्र लेकर आएंगे जिसमें हम कक्षा 9 के बच्चों के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे और टॉपिक रहेगा द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कौन सी रोड थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं ली, ये जानने के लिए आप ज़रूर हमारे अगले सत्र से जुड़ें। मैं सृजन राजपूत यहाँ आपसे चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।